तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल काइट लवर ऑफिशियल। तो आप लोग की काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि भाई ये डमी पतंग की हेल्थ पेज ला के दिखाओ। तो देखिए, आज की वीडियो यही होने वाला है। आज की वीडियो में पहले आपको डमी पतंग की हेल्थ पेज समझाऊंगा और उसके बाद वही सेम पेज लड़ा के मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको एकदम से बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखते रहना है अगर आपको दूसरों की पतंग काटनी है। तो ये देखिए, पहला पेज मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये देखिए, ये रही हमारी हाथ में डमी पतंग है। तो जो आपको ये कलरफुल वाली पतंग दिख रही होगी, ये हमारे अपोनेंट की पतंग है, वो नीचे से आ रखा है। और जो आपको ये व्हाइट वाली पतंग दिख रही है, इसमें ये हमारी पतंग है, हम ऊपर से पेड़ उड़ाएंगे। तो ये वाला पेज मैं जो आपको बताने वाला हूँ, ऊपर का पेज है। तो इस वाले पेज में क्या है, जैसे कि आपका अपोनेंट नीचे से आया, आप उसके थोड़ा ऊपर चढ़े, उसके बाद आपने अपनी पतंग नीचे पटकी, फिर आप देखिए चक्कर देंगे। और चक्कर देने के बाद जैसे ही आप पतंग को हल्का सा बाहर का खींचना है आपको, जैसे ही आप हल्का सा पतंग अपनी बाहर को खींचेंगे तो आपका अपोनेंट क्या करेगा, जहाँ तक या तो पतंग सीधी खींचेगा या फिर पतंग अपनी तरफ बाहर को खींचेगा। उसी समय आपको अपनी पतंग को हल्का सा उसके हाथ की तरफ का खींच देना है, सीधा नहीं खींचना है, हल्का सा उसके हाथ की तरफ का खींच देना है, काफ़ी हल्का सा खींचना है ताकि आपके अपोनेंट को पता भी ना चले और आप उसके हाथ की तरफ रुक भी दे दो। तो इस तरीके से आप काफ़ी आसानी के साथ पतंग काट सकते हो। तो अब आप डायरेक्ट पेज में देखिए, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो पतंग आपको रेड सर्किल के अंदर देखने को मिल रही होगी, मेरी पतंग है, मैं ऊपर से लड़ा रहा हूँ। और देखिए, ब्लू सर्किल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग है, वो नीचे से आ रखा है। और दोनों बंदों की पतंग सेम है, रेड कलर की। तो अब देखिए, सेम वही वाला पेज मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये हमने पतंग पटकी और जैसे उसने बाहर की खींची ना, हमने उसी के हाथ की तरफ का हल्का सा अंदर का खींच दिया और उसकी पतंग हमने काफ़ी आसानी के साथ काट दी। तो ये देखिए, ये रही हमारी पतंग। तो इस तरीके से आप ये वाला पेज काट सकते हो। अगर आप पहली बार में नहीं काट सकते हो तो आप प्रैक्टिस करो, आप ये वाला पेज ज़रूर काटोगे। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड पेज की तरफ। तो इस वाले पेज में देखिए, व्हाइट वाली पतंग ये आपकी रही, आप नीचे से पेड़ लड़ा रहे हो। और जो कलरफुल वाली पतंग है, ये आपके अपोनेंट की पतंग है, वो ऊपर से आ रखा है इस वाले पेज में। तो देखिए, ये वाला पेज आप तभी लड़ाना जब आपकी खींच काफ़ी अच्छी हो, या फिर आप जिस बंदे से लड़ा रहे हो उससे आपकी खींच थोड़ी सी तेज़ हो। तो इसमें क्या करना है, आपको थोड़ा नीचे से जाना है और देखिए, इस वाले पेज में आपको अपने अपोनेंट का झोल ढूंढना है। तो काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं कि भाई झोल क्या होता है, तो झोल वो हिस्सा होता है जहाँ पे आपकी पतंग सबसे ज़्यादा कमज़ोर होती है। देखिए, जो बीच का हिस्सा होता है ना, यही झोल होता है। तो आपको एकदम अपने अपोनेंट के बीच में चले जाना है पतंग के, उसके बाद क्या करना है, पतंग घुमानी है। आपका अपोनेंट जहाँ तक थोड़ी सी बाहर की लाएगा और उसका या तो सीधा गद्दा मारेगा बाहर का या बाहर की खींचेगा क्रॉस में, उसके बाद आपको बस अपनी पतंग को बाहर का ही ऐसे ही खींच लेना है क्रॉस में। लेकिन आपको पूरी ताकत के साथ खींचना है, और अगर आपकी खींच काफ़ी तेज़ है या अपने अपोनेंट से अच्छी है तो आप उसकी पतंग काफ़ी आसानी के साथ काट दोगे। तो ये देखिए, यही वाला पेज मैं अभी आपको लड़ा के दिखाता हूँ। तो जो पतंग आपको रेड सर्किल के अंदर दिख रही होगी, ये हमारी पतंग है, मैं नीचे से लड़ा रहा हूँ। और देखिए, ब्लू सर्किल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग है, वो ऊपर से आ रखा है। तो यहाँ पे हमारे अपोनेंट ने मारी थी खींच, लेकिन हमने अपनी पतंग बचा ली। तो देखिए, ये नहीं होता कि आपको वो पेज लड़ाना ही लड़ाना है, आप कई बार आपको अपनी पतंग बचानी भी पड़ सकती है, सही है। तो यहाँ पे देखिए, हमारा अपोनेंट ने मारा सीधा गद्दा और हमने एकदम बाहर की खींचते हुए ले गए और देखिए, हमने उसकी पतंग काट दी। बस फ़र्क यही था कि जिससे हमने पेज लड़ाया था उसकी खींच मुझसे कम थी और हमने काफ़ी आसानी के साथ उसकी पतंग काट दी। तो अब आते हैं अपने थर्ड पेज की तरफ। तो ये कलरफुल वाली पतंग आपके अपोनेंट की है, वो ऊपर से लड़ाएगा, और वाइट वाली पतंग आपकी आप नीचे से लड़ाओगे। तो जैसा कि मैंने कहा था ना, कई बार आपको अपनी पतंग बचानी भी पड़ती है, तो इस वाले पेज में हम वही करेंगे। तो पहले आप नीचे से जाओगे और आपका अपोनेंट ऊपर से होगा, और जब दोनों को लगेगा कि भाई दोनों के पास मौका है, तो आपका अपोनेंट ऊपर से ऐसे गद्दा उतार सकता है नीचे। तो आपको क्या करना है, उसका वाला पेज को आपको सक्सेसफुल नहीं होने देना, आपको अपनी पतंग बचा लेनी है। जब आप अपनी पतंग बचा लोगे तो आपका अपोनेंट जैसी पतंग ऊपर उठा रहा होगा तो उसी समय आपको उससे दुगनी तेज खींच के उसकी पतंग को काट देना है। तो ये वाला पेज भी मैं आपको लड़ा के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, हमारा पेज आ गया है। तो जो पतंग आपको रेड सर्किल के अंदर दिख रही होगी, ये हमारी पतंग रही, हम नीचे से लड़ाएंगे। और देखिए, ब्लू सर्किल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग रही, वो ऊपर से लड़ाने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, हम उसके थोड़ा सा अंदर को चढ़े और उसने अपनी पतंग पटकी,
ये देखिए, ये उसने पतंग पटकी, हम थोड़ा और उसके अंदर को गए। ये पतंग हल्के हल्के मैंने उठाई, ये उसने देखिए गद्दा मारा था, और उसके बाद जैसे ही उसने रोका गद्दा मार के, मैंने उसी समय उसकी पतंग खींच दी। तो देखिए यही आपको करना है, उसका जो गद्दा है ना वो आपको सक्सेसफुल नहीं होने देना, उधर आपको अपनी पतंग बचा लेनी है और बाद में काट देनी है। तो अब चलते हैं अपने फोर्थ पेज की तरफ, और ये वाला पेज देखिए, आप तभी लड़ाना जब आपको डोर का अंदाजा हो। अगर आपको डोर का अंदाजा नहीं है कि ये डोर कहाँ पे मिल रही है, तो आप ये वाला पेज नहीं लड़ाना। तो इस वाले पेज देखिए, आप नीचे से लड़ाएंगे, आपकी वाइट वाली पतंग है और आपके अपोनेंट की कलरफुल वाली पतंग है, वो ऊपर से आ रखा है। तो देखिए आप नीचे से जाएंगे, और नीचे से जाने का, जैसे मैं अपनी पतंग खड़ी करके देता हूँ ना आपको, वैसी थोड़ी पतंग खड़ी कर देनी है नीचे से जाने के बाद। उसके बाद आपके अपोनेंट को लगेगा कि भाई उसे काफ़ी बढ़िया मौका मिल रखा है, वो बाहर की ऐसी खींच देगा क्रॉस में, और आपको वेट करना है। जैसे उसकी पतंग ऐसे बाहर को निकल जाए, और जब आपको पता चलने वाला हो कि भाई डोर अब मिलने वाली है, उसी समय आपको अपना मूव चलना है, और उसी के साथ साथ उसी की तरफ का खींच देना है। जहाँ पे वो खींचे उसी के साथ साथ उसी की तरफ का आप खींच दोगे, काफ़ी आसानी के साथ साथ खूबसूरत पेच काट दोगे, जिसे कहते हैं खूबसूरत पेच काटा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड सर्कल के अंदर हमारी पतंग रही है, हम नीचे से, और देखिए ब्लू सर्कल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग है, वो ऊपर से आ रखा है। तो देखिए जैसे ही वो ऊपर से है, तो हमें क्या करना है, अपनी पतंग को थोड़ा चमकाना है, उसे थोड़ी देखिए उठा के देनी है। तो ये मैं नीचे से गया, और देखिए मैंने उसे अपनी पतंग उठा के दी, ये मैंने उठाई और थोड़ी उठाई, मैं वेट कर रहा हूँ जैसे ही बाहर का मारेगा। उसने मारा, मैंने उसी की हाथ की तरफ मारा, और देखिए उसकी पतंग काट दी। तो इस तरीके से आप काफ़ी आसानी के साथ काफ़ी खूबसूरत वाला पेच काट सकते हो। तो ये रहा आज का फिफ्थ पेज और आज का लास्ट पेज। तो इस वाले पेज में देखिए, कलरफुल वाली पतंग आपके अपोनेंट की है, वो नीचे से आ रखा है, और वाइट वाली पतंग आपकी है, आप ऊपर से हो। तो इस वाले पेज में देखिए, आपका अपोनेंट नीचे से आएगा, और वो कोशिश करेगा कि वो आपके ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जा सके और आपका झोल तोड़ सके, लेकिन आपको वो नहीं होने देना है। आपको अपनी पतंग चलाते फिराते रहनी है, और अपनी पतंग को मुंह के पास ही रखना, ज़्यादा अंदर नहीं घुसने देना अपोनेंट को। और जैसे ही आपका अपोनेंट ऐसी बाहर की खींचे, तो आपको एकदम सीधा गद्दा मार के या थोड़ा सा बाहर का मार के उसकी पतंग काट देनी है। बस फ़र्क ये होगा कि आपको अपने अपोनेंट को पहले पतंग खींचने देना है, आप अपना मूव बाद में चलोगे। तो ये वाला पेज भी आपको उड़ा के मैं दिखा दे रहा हूँ। तो इस वाले पेज में देखिए, जो पतंग आपको रेड सर्कल के अंदर दिख रही होगी, मेरी पतंग है, मैं ऊपर से उड़ा रहा हूँ, और देखिए ब्लू सर्कल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग है, वो नीचे से आ रखा है, और देखिए वो नीचे से हमारे अंदर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैंने ज़्यादा अंदर उसे नहीं आने दिया, और मैंने अपनी पतंग मुंह के पास ही रखी है, और जैसे ही उसने बाहर की खींची, मैंने एकदम सीधा गद्दा मार के उसकी पतंग काट दी। तो इस वाले पेज में आपको यही कोशिश करनी है कि आप अपने अपोनेंट को पहले खींचने दो और आप बाद में खींचो।